आप लोगों ने अब तक कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिनकी संपत्ति का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये लोग इतने अमीर हैं कि अगर चाहे तो पूरी दुनिया से कुछ हद तक गरीबी जा सकती है। आज हम ऐसे ही कुछ परिवारों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये परिवार देश में चलाने वाली सत्ता को भी कंट्रोल करते हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है द हाउस ऑफ साउथ का। अब अगर इस नाम से आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे सऊदी अरब के किंग के बारे में। दरअसल ये एक शाही परिवार है जो सऊदी अरब में 1932 से शासन कर रहा है। इस फैमिली के हेड सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। आपको बता दें, इस परिवार के हेड के पास पूरी राजनीतिक ताकत है। तो ये परिवार के बाकी सदस्यों के पास अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी है। इस परिवार के सदस्य सऊदी अरब के अंदर अपनी पसंद की कोई भी नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया को 20% तेल सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं मॉर्गन परिवार की। दरअसल ये परिवार अमेरिका का रहने वाला है। कई रिपोर्टों के मुताबिक मॉर्गन परिवार अमेरिका की राजनीति और दुनिया के सभी बैंकों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। अब आप इनकी ताकत के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बता दें, जेपी मॉर्गन ने अमेरिका में अपना साम्राज्य बनाया था। आज न सिर्फ यूएस बल्कि यूरोप में भी इस परिवार का सिक्का बोलता है। इस लिस्ट में नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट कीथ मर्डोक का। आपको बता दें, कीथ मर्डोक एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और उसके बाद उन्हें एक अखबार का एडिटर नियुक्त किया गया, जिसके बाद अखबार ज्यादा फेमस हो गया। उनके कार्यकाल में अखबार की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ी कि उन्हें सीईओ बना दिया गया। आपको बता दें, जब इस परिवार ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से अपना कंट्रोल खो दिया तो उन्होंने अपना न्यूज कॉरपोरेशन खोला। फॉक्स न्यूज, माई स्पेस और TOW जोन्स जैसी कंपनी का आज ये परिवार मालिक है। तो वहीं इनके न्यूज कॉरपोरेशन से सेलिब्रिटी, पुलिस और ऐसे ही तमाम लोगों के अवैध फोन टैपिंग का आरोप भी लग चुका है। तो ये बात करेंगे वॉल्टन परिवार का। ये परिवार भी अमेरिका से ही है। दरअसल 1962 में सैम वॉल्टन ने अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला था। जैसे जैसे समय बीता वैसे ही इनका बिजनेस भी बढ़ता चला गया। अब तो समय ऐसा है कि आज वॉलमार्ट ने अमेरिका में अपना दबदबा कायम कर लिया है। तो इस कंपनी के मालिक सैम की मौत होने के बाद उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चों ने कंपनी को संभाला है। इस सुपरमार्केट के अलावा परिवार अर्वेस्ट बैंक का भी मालिक है। इस लिस्ट में अब नाम आता है अर्नेस्ट ओपनहाइमर का। अर्नेस्ट ओपनहाइमर दक्षिण अफ्रीका के एक उद्योगपति हैं। आपको बता दें, ओपनहाइमर परिवार के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। जी हाँ, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले इस परिवार के पहले सदस्य अर्नेस्ट ओपनहाइमर सबसे पहले साउथ अफ्रीका के किम्बरले शहर के मेयर बने और साथ ही डायमंड कंपनी भी चलाने लगे। उनका बिजनेस बहुत ही जल्दी बढ़ा और वो इस फील्ड के बादशाह बने। अब उनका ये बिजनेस अर्नेस्ट के पोते निकी ओपनहाइमर संभालते हैं। ये परिवार न सिर्फ हीरे बल्कि सोने, लोहे, चांदी और प्लेटिनम का भी व्यापार करता है। इस लिस्ट में नाम आता है ब्रिटेन के शाही परिवार का। जी हाँ, इस परिवार का मुखिया इस वक्त किंग चार्ल्स तृतीय है। यही नहीं, वो ब्रिटेन के मिलिट्री फोर्स के चीफ भी हैं। ब्रिटेन के अलावा किंग चार्ल्स तृतीय 15 स्वतंत्र देशों के शासक हैं। ये परिवार काफी हाई प्रोफाइल लाइफ जीता है। इस लिस्ट में अब नाम आता है रॉथचाइल्ड फैमिली का। जी हाँ, रॉथचाइल्ड परिवार नेपोलियन के समय में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। ये साम्राज्य मेयर एंस्कल रॉथचाइल्ड से शुरू हुआ। जर्मनी ने इस परिवार का एक बड़ा बैंकिंग बिजनेस था और इन्होंने अपना वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया था। रॉथचाइल्ड परिवार को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं। कहा जाता है कि ये परिवार पूरे दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस रॉथचाइल्ड परिवार के कई लड़ाइयों को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये कुछ परिवार थे जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।